इस इलाके के जिलाध्यक्ष और इस विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व आमदार बलदेव खोसा जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। जरा जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मुंबई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जनाब हाजी बब्बू खान साहब, जो धारावी विभाग के कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर भी हैं, राजेश शर्मा जी इस विभाग के वरिष्ठ नेता, एमपीसीसी के पदाधिकारी, मुंबई के माजी उपमहापौर नासिर जकरिया साहब जो एमपीसीसी के हमारे प्रवक्ता हैं, सभी जिलाध्यक्ष, खासकर इस जिले के जिलाध्यक्ष जिन्होंने आज की यह महफिल सजाई है, ऐसे फिरोज खान साहब, कयूम तंबुली जी, काजी साहब अल्ताफ, काजी साहब इश्तियाक भाई, आजम साहब, सुनील कुमरे जी, रईस लश्करिया साहब, फिरोज भाई, असलम फारूकी साहब, और कौन है, और सम्मानीय मंच, और उसके साथ सम्मानीय जनता, सम्मानीय साथी। अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, 1:10 की फ्लाइट है। मुझे पहले से पता था, मेरा कमिटमेंट था कि इस कार्यक्रम में आना है, रुकना मुझे 1-2 घंटा, लेकिन एक जरूरी मीटिंग है इसके लिए जाना पड़ रहा है, फिर वापस रात को मुझे लौटना भी है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। मुझे मालूम है अगर 11 बजे का प्रोग्राम करेंगे तो 12 बजे तक हॉल भरता नहीं है, यह हिंदुस्तान है, सबका अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक हमारा पर्सनल स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम पे नहीं आते लोग, लेकिन थोड़ा आने लगे हैं, सही बता रहे हैं ये कयूम भाई बोले शायद कि पहले मुंबई कांग्रेस में कोई भी मीटिंग होती थी मैं 12 बजे रखना चाहता हूँ ना, चलो 12 बजे सबको बुलाते हैं, बोले साहब 12 बजे बुलाना तो 11 बजे अनाउंस करो, मैं क्यों, तो कोई 11 बजे नहीं आएगा, 12 बजे तक आएंगे, मैंने कहा नहीं 12 बजे और 12:05 में मीटिंग शुरू हो जाएगी। अब पिछले 3.5 वर्षों से ये काम चल रहा है, मीटिंग अगर 3 बजे तो 3 बजे शुरू कर देता हूँ, कई लोग आते आते हफ्ते हफ्ते लेट आते हैं, क्या होगा, मैंने कहा बहुत लेट आप हुए, और कोई भी आदमी लेट होता है तो उसकी ट्रेन छूटती ही छूटती है, इसलिए लेट नहीं होना है, टाइम पे पंक्चुअली डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो मैं फिरोज खान साहब को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा आज के इस जलसे के आयोजन के लिए, आज का जो माइनॉरिटी मेला हुआ इस जिले का है उसके आयोजन के लिए, मुंबई के अलग अलग जिलों में इस तरीके से माइनॉरिटी समाज के जो हमारे साथी हैं उनके बीच जाना पड़ेगा, उनके बीच जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत परेशान है, जो 4.5 वर्षों से जो सरकार चल रही है दिल्ली में और लगभग 4 वर्षों से महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, इनके कामकाज में, इनके शासन में सामान्य तौर पर तो सारी जनता, लेकिन खास करके देखें तो माइनॉरिटी और दलित समाज के लोग एकदम घुट घुट के जी रहे, उनके अंदर एक भयंकर भय पैदा कर दिया गया। दलित समाज एक मूंछ रख लेता है उसको मार दिया जाता है, किसी कुएं में जाकर पानी में पी लेता है तो मार दिया जाता है, घुड़सवारी सीखता है तो मार दिया जाता है, ये तुम्हारा काम नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों को कभी गाय के नाम पे, कभी लवजिहाद के नाम पे मारा जा रहा, सरयाम फेक इनकाउंटर करके, घेर घेर करके, नया शब्द हमने सुना मॉब लिंचिंग, पहले नहीं था सब शब्द, इतना जुनूनी हुजूम तैयार होता है, जिंदा आदमी की जान ले ली जाती है, और ये सब अनजाने में नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ छिटपुट 2-4 लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत सरकार में बैठे हुए लोग
सरकार को बाहर से चलाने वाले लोग, बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या आरएसएस के लोग हो, बजरंग दल और विश्व परिषद के लोग हैं, इन तमाम ताकतों ने मिलके ये सब कार्यक्रम चला रखा है। तभी कहीं पहलू खान होता है, कभी जुनेद के ऊपर हमला होता है, कहीं अखलाक पे हमला होता है, फिर उनका नाम भूल गया मैं, जो नोएडा के पास जिनके फ्रिज में मटर का एक टुकड़ा मिला था, कमाल है, उस व्यक्ति के घर में फ्रिज में कटोरी में मटर का एक टुकड़ा पड़ा है, मालूम नहीं वो मटर का टुकड़ा किस चीज का है, बड़ा है कि छोटा है, है भी तो भी चंद बदमाश घुसते उनको घर से बाहर निकाल के लेके आते हैं और सरेआम बाजार में घेर के जिंदा मार देते हैं किसानों पे कि ये बड़ा वाला ये गाय का मांस खा रहा है। गाय हमारी माता है, हम उनको बहुत पवित्र मानते हैं, और सिर्फ हिंदू नहीं, धीरे धीरे वातावरण ऐसा है कि मुसलमान भी गाय को पवित्र मानने लगा है, मुसलमान भी गाय के मांस खाने के पक्ष में नहीं है, गाय को मारने के पक्ष में नहीं है, परसों से माहौल है। और बीजेपी के राज में, बीजेपी के जमाने में गो वंश की रक्षा का कानून बनाया, ऐसा भी नहीं है, 1976 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब बना था यह कानून, तब से इस देश के नागरिकों को बताया गया कि गाय की रक्षा करना, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसको देश का हर नागरिक स्वीकार करता है, जब से किया है तब से गाय के नाम पे उस नोएडा के उस व्यक्ति को जिसको मारा गया घेर घेर करके, उसके दो दो बच्चे आर्मी के जवान हैं, छोड़ दिया उन्होंने, वापस गांव ही छोड़ दिया, दिल्ली सेटल हो गए, उस गांव से नफरत हो गई, उन लोगों से नफरत हो गई, उन लोगों के मन में जो नफरत थी उस नफरत को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ, कोई पहलकदमी नहीं, कोई कोशिश नहीं हुई, उल्टे उस व्यक्ति को, अखलाक को जो मारने वाले लोग थे, तिहाड़ जेल में उनको डाला गया था, अगर उसने पाप किया है तो सजा मिलेगी, और अचानक एक दिन पता चला तिहाड़ जेल में उसकी मृत्यु हो गई, मर गया हो, और जब वो मरा तब उस इलाके के मोदी सरकार के मंत्री उसके मैयत में शामिल हुए और तिरंगा उड़ा करके उनको तोपों की सलामी दी गई। कमाल है, पहली बार इस देश में है कि हत्यारों को तोपों की सलामी दी जा रही है और उनका अंतिम विदा जो है तिरंगा उड़ा के किया जा रहा है। ये तिरंगे का अपमान है, देश के कानून कायदे का अपमान है, संविधान का अपमान है। झारखंड में जिंदा व्यक्ति को दो मांडे के बाद लोगों को लटका दिया जाता है पैर से मार, और जो लटकाने वाले मारने वाले हत्यारे अपराधी हैं, जब छूट के आते हैं जेल से पैरोल पे तो मोदी सरकार के एक मंत्री उन सबको माला पहना करके उनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। तो मेरा कहने का से यह है कि ये जो कुछ हो रहा है ये छिटपुट कोई चंद गुंडे कर रहे हैं, अपराधी कर रहे हैं, ये सब काम ऐसा नहीं है, इसके पीछे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी सोची समझी रणनीति के तहत चलाया गया कार्यक्रम है, और इसलिए इन हादसों का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। ये हादसे आगे ना हो, हिंदुस्तान का हर नागरिक सुरक्षित रहे, कोई हिंदू के नाम पे या मुसलमान के नाम पे या क्रिश्चियन के नाम पे या दलित के नाम पे या सिख के नाम पे मारा ना जाए, देश में जो कायदा है वो लागू रहे, देश का जो संविधान है, जिस संविधान ने हम सबको एक हक दिया है, बुनियादी हक दिया है जीने का, अपने अपने धर्म में विश्वास करने का, अपनी भाषा में बात करने का, कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये हक ये अधिकार संविधान ने हमें दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में जो लोग आज सत्ता में उनको उखाड़ कर फेंकना है और उनकी पूरी सत्ता बांट करके उनको सड़क पे लाके रखना है। मुझे मालूम है माइनॉरिटी के बीच कुछ ताकतें हैं जो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करती, उन ताकतों को याद दिलाइए, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने जाति के धर्म के नाम पे देश की कल्पना की और कहा कि मुसलमानों की अलग पाकिस्तान चाहिए,
तब उस समय नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, ऐसे तमाम हमारे महापुरुष थे। उन्होंने एक भूमिका ली थी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक भूमिका ली थी कि हम धर्म के आधार पर राष्ट्र की रचना में विश्वास नहीं करते। जो भी मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुओं की तरह बराबर अधिकार के साथ रहेंगे और उनको पूरा संरक्षण कौन ये देश देगा, ये संविधान देगा, कानून देगा। तभी एक संविधान बना, वरना इनकी तो साजिश ये थी हिंदू महासभा वालों की कि संविधान बनाइए लेकिन वोटिंग राइट सिर्फ हिंदुओं को दीजिए, मुसलमानों को मत दीजिए। वोटिंग राइट सिर्फ हिंदुओं को दीजिए, दलितों को मत दीजिए। इस प्रकार की साजिश रची गई थी, षड्यंत्र रचा गया, सारे षड्यंत्रों को तोड़ा हमारे संविधान सभा ने, नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और कहा हिंदुस्तान में सभी व्यक्ति बराबर हैं, समान के समान हक है उनके पास, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे किसी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, गर्व से कहो हम सब भारतीय हैं, और भारतीय होने की पहचान को मिटाने की ताकत अगर खड़ी होगी तो उस ताकत को खत्म करना भी हम भारतीयों की जवाबदारी है, और वो जवाबदारी निभाने का टाइम आ गया सर, ये जवाबदारी अब निभानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में कैसे हर वर्ग के लोग महफूज रहे, खासकर माइनॉरिटी के लोग महफूज रहे हिंदुस्तान में, इस कामकाज में, इस मेहनत में, इस प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ चूक हो गए होंगे, होते हैं, एक आदमी चलता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी ना कभी फिसल जाता है, बहुत सारी बातें करते करते कभी जबान फिसल जाती है। 70 वर्षों तक हमने सरकार चलाई है, हो सकता है एक आध ऐसे डिसीजन होंगे जो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब कांग्रेस की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की नीयत हमेशा माइनॉरिटी के साथ रही है और आगे भी रहेगी, ये मैं आप लोगों को पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वचन दे रहा हूं। हमारे नए अध्यक्ष आइए अशोक, हमारे अंधेरी विभाग जू विभाग के माजी आमदार अशोक भाव यादव यहां पर आए, इनका हार्दिक स्वागत, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का युग देखा है, कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का युग देखा, नेहरू जी का युग देखा, इंदिरा जी का युग देखा, राजीव जी का युग देखा, सोनिया जी का युग देखा, आज राहुल गांधी का युग चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। आज का दौर, आज के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हम सबके नेता, उनका दौर है। अध्यक्ष कब बने हैं, जब दिल्ली से लेकर मुंबई तक कांग्रेस मुक्त भारत करने वाला सपना देखने वाले लोग बैठे हुए हैं, अब उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, फूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। यकीन मानिए आज पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता ऐसा नहीं है जो आज के सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डाल के बोल सके कि तुम करप्ट हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी अकेले नेता हैं, रोज बोल रहे हैं, गली गली में जाके बोल रहे हैं, बेंगलोर में बोल रहे, छत्तीसगढ़ में बोल रहे, राजस्थान में बोल रहे, भोपाल में जाके बोल रहे, मुंबई भी आके बोले हैं। इतने हिम्मत आज किसी में नहीं, सबकी जान सूखी पड़ी है, कब किसको ईडी वाले उठा के अंदर डाल देंगे, कब किसको इनकम टैक्स वाले डाल देंगे, ऐसे घबराए हुए लोग। कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी वाले डराते हैं कि महागठबंधन मत करना, राहुल गांधी से हाथ मिलाया तो उठा के अंदर डाल देंगे, बेचारे भाग जा रहे हैं। राहुल जी को, सोनिया जी को कितना सताया गया फर्जी केसेस में, लेकिन डरे नहीं। ये इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि हिंदुस्तान को बचाने की जवाबदारी इनके कंधे पर, इनके सर के ऊपर। अगर ये डर जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान डर जाएगा, पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। आज हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी विरासत है उसको बचाना। आज जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता रही है वर्षों से, उस एकता को बचाना। आज जो हिंदुस्तान में हर वर्ग, गरीब हो या अमीर, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, महफूज महसूस करता था, जिसकी सुरक्षा आज खतरे में है, उस खतरे को टालने के
लिए, खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जरूरत थी, और उस जरूरत को निभाने के लिए राहुल गांधी जी ने फ्रंट पे एक सेनापति के तौर पे हम तमाम सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं, और देश में एक नई धारा पैदा हो रही है। 6 महीने पहले ऐसा माहौल नहीं था कि कोई मोदी के खिलाफ कुछ बोलते, लेकिन आज गली कूचे में जाओ बोलते, गली गली में शोर है, अपना पीएम चोर है। हम लोग बोलते बड़े कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, मैंने काहे का अपमान, एक रिक्शा वाले से पूछो कहा हो कहा हलवा, अरे भैया बहुत चोर आदमी है, जाके चौपड़पट्टी में पूछो भाजी वाले से कहा हो कहा हो, अरे भैया इन्हें जल्दी भगावा, बहुत बड़ा झूठा आदमी है। सरेआम लोग गाली दे रहे, शायद अपने देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो कम समय में इतना ज्यादा गाली खाया, और गाली अपने कुकर्मों की वजह से खाए, अपने झूठ की वजह से खाए, अपने चुगलों की वजह से खाए, अपनी बेईमानियों की वजह से खाए। राफेल जैसा घोटाला उन घोटालों की वजह से खाए। यह सरकार हमारी आपकी नहीं है, यह सरकार गरीब लोगों की नहीं है, माइनॉरिटी के लिए, कमजोर लोगों की नहीं है, दलितों की नहीं है, आदिवासियों की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, हम सब जो बैठे हुए उनकी नहीं है। ये सरकार 8-10 बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, और मोदी जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन से ही 8-10 उद्योगपति अदानी अंबानी की सेवा में लगे हैं। देश की जनता ने इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जिस देश की जनता ने बड़ी उम्मीद से हमसे नाराज होके हम लोगों को लाखों वोटों से हरा के, मुझे तो 4.5 लाख वोट से हरा है, इस उम्मीद में कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, क्या बोलते थे, अच्छे दिन, अच्छे दिन आने वाले, लोग अच्छे दिन का इंतजार कर, सबके बैंक खातों में 15 लाख रुपए आना चाहे आज भी इंतजार कर, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे नौजवान, 12 करोड़ लोग इस समय बेरोजगार है देश में, किसानों की जो आय वो डबल हो जाएगी इंतजार कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, महिलाएं बेचारे इंतजार कर, ये सब कुछ नहीं हुआ। जब ये सब सवाल पूछिए तो हिंदू मुस्लिम फसाद आ जाता है, तब शमशान आता है, कब्रिस्तान आता है, दिवाली पे बिजली मिलती है, ईद पे बिजली मिलती है, ये सब मुद्दे आ जाते हैं, 3 तलाक आ जाता है। मैं दूसरों की बीवियों की इतनी चिंता कर रहा हूं, अपनी बीवी तो संभाल, वो तो संभाल नहीं पाए। हम मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार उसके पक्ष में नहीं है, कोई नहीं हो सकता, आखिर हमारी बहने हो, वो सुरक्षित रहनी चाहिए, उनके साथ कोई अन्याय होगा तो लड़ेंगे और लड़ते भी रहे, लेकिन तुम जो 3 तलाक के नाम पर पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ रहे हो और उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हो, इसके पीछे महिलाओं को न्याय दिलाना नहीं बल्कि मुसलमानों को तंग करना, तबाह करना है, और ऐसी तबाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आपके साथ खड़ी रहेगी, और हम खुल के खड़े रहे, पीछे नहीं हटे। तो आज बस इतना ही, मुंबई में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नए चेयरमैन हाजी जनाब पप्पू खान साहब, उनके सदारत में माइनॉरिटी को छोड़ने का एक नया अभियान हम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे पुराने दुराने जिनमें जंग लग गए हैं वो थोड़ा बाहर नहीं निकलेंगे, ना निकले, लेकिन नए नए लोग बहुत है, तैयार हैं राहुल गांधी के सदारत में पार्टी में जुड़ने के लिए, पार्टी में आने के लिए, ऐसे लोगों को जोड़िए और पार्टी में मारने की ताकत खड़ी करिए, और आने वाले दिनों में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे उन चुनाव में कांग्रेस का तिरंगा फहराइए, ऐसा मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, और जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागता हूं ताकि मेरी फ्लाइट न छूटे। आप सबको नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, और खुदा हाफिज़।